बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ शो में हमेशा की तरह शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल के लिए क्या करनी है आपको तैयारी। साथ ही आज है हमारे साथ खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है और उनसे भी अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक हम जानेंगे उनके एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज दिन के निचले स्तरों से सुधर कर बाजार आखिरकार हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। निफ्टी 20 अंक चढ़कर 16,250 के ऊपर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 125 अंक चढ़कर 54,400 के ऊपर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 400 अंकों की रिकवरी देखी गई और ये 36,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। आज मेटल शेयरों में रही तेज गिरावट। नालको का शेयर 12% आलूर का। FIIs और DIIs की तरफ से क्या संकेत आज मिले, या FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 212 करोड़ रुपए की खरीदारी की, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 716 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी के पास चलते हैं और जानते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की क्या रही खासियत। हफ्ते की शुरुआत के लिए भारतीय बाजारों के लिए थे मिले जुले संकेत। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दमदार तेजी दिखी और लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आए डाउ और S&P, लेकिन SDX निफ्टी में सुस्ती का माहौल था। इसके विपरीत बाजार खुले मजबूती के साथ ऊपर, और ऊपर खुलने के बाद आई दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग। एक बार 16,300 के पार निकले टिके भी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और एक बार 16,200 के नीचे आए भी, लेकिन 16,175 के अहम सपोर्ट लेवल के आसपास से बाजार ने दिखाई रिकवरी और आखिरी घंटे में मजबूती के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर और बेहतर प्रदर्शन था। 35,600 लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बाजार, आज भी लिया और 36,000 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देने की कोशिश आज बाजार ने की है दो दिनों के बाद। तो थोड़ी मजबूती बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट यूँ कहूँगा कि आज लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिखी। फॉर अ चेंज निफ्टी थोड़ा ठंडा था, बैंक निफ्टी और मजबूत था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सबसे ज़्यादा कमजोर थे। आज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला, शायद कैश मार्केट में घरेलू फंड की तरफ से पिछले दो तीन दिनों में थोड़ी बहुत बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, इससे कैश मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखी। और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो हैं उनकी कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने दमदार शायद नहीं है, ये भी एक वजह थी कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग छोटे शेयरों में आती हुई दिखी। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर है और इस हफ्ते ढेर सारे रिजल्ट आने हैं, 1800-2000 कंपनियों के रिजल्ट, और उस लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, उसकी वजह से बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव है। FIIs की हल्की फुल्की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल घरेलू फंड की तरफ से, और यही वजह बाजार आपको दोनों तरफ रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कल के लिए क्या खास स्ट्रेटजी रखनी है अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुशल के पास चलते हैं हमारे सहयोगी। कुशल सर बताएं, आज जैसा कारोबार बाजार में देखा गया, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूती देखी गई और कहां पर सुस्ती थी? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजारों में अगर आप देखें तो शुरुआती सत्र में जिस तरह की ट्रेडिंग होती हुई दिखी, उसके बाद वहां पर गिरावट आती हुई नजर आई और आखिरी एक घंटे में अच्छी रिकवरी के साथ जो है बाजारों में क्लोजिंग आती हुई नजर आई। यहां पर बढ़ने वाले शेयरों की सूची की बात करेंगे तो M&M सुबह से ही लगातार फोकस में बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट टॉप अगर आप देखेंगे तो करीब 3% तक का इसने बनाया था इस काउंटर ने, और वहां पर अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक अच्छा रुझान आज यहां पर भी नजर आया। टेक महिंद्रा भी सुबह से ही फोकस में बना हुआ था, यहां पर भी बढ़िया तेजी आज के सत्र में बनी। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करीब 2.5% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। साथ ही कोल इंडिया, हिंडालको जैसे स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है एक्सिस बैंक के साथ साथ इंडसइंड बैंक और साथ साथ ICICI बैंक जैसे दिग्गज जो काउंटर्स हैं वहां पर मजबूती रही। IT स्पेस में टेक महिंद्रा तो तेज था ही, इसके अलावा जस्ट डायल, टाटा इलेक्सा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान आज के सत्र में बना। मेटल काउंटर्स में नालको आप देखिए नतीजों के बाद भारी गिरावट का शिकार होता हुआ दिखा, करीब 12% का फॉल यहाँ पर दर्ज हुआ। इसके अलावा सेल भी
यहाँ पर भी दबाव था, वेल्समैन कॉर्प पर भी आज के सत्र में प्रेशर बना। पीएसयू बैंक्स भी दबाव में रहे, जिसमें आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे, और रियल्टी स्पेस पर भी आज के सत्र में दबाव बना। तो ओवरऑल ब्रेथ अगर आप देखेंगे, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में यहाँ पर गिरावट का रुझान बना। और स्पेसिफिकली अगर आप शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी बात करें तो यहाँ पर भी दबाव था। और अंत में अगर आप देखें तो जी के जो हिट कॉल्स हैं, यहाँ पर IRCTC, हिमांशु जी ने आपको बताया था 3.5% की तेजी यहाँ पर बनी। लॉरस लैब भी 3-4% आज के दिन में तेज रहा। सीबीजी का कॉल था। कमिंस इंडिया, ये भी एक सरप्राइज आउट परफॉर्मर निकल कर आया आज के सत्र में। आशीष केलकर जी ने आपको ये रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेथ है, अब देखना होगा कि कल कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन किस तरह का रुझान दिखाता है। और सीधे चलते हैं हमारे आज के खास मेहमान बीके शर्मा जी के पास। शर्मा जी, अब आज के कारोबार को देखकर क्या बाजार की चाल आपको नजर आ रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार से? नतीजों का सीजन भी फुल ऑन है, साथ ही कल के लिए कौन सी इंट्राडे पिक आप बताएंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह देंगे? जी, आपके सभी प्रश्नों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। तो पहले तो ये बता दें कि ये जो मार्केट है, ये आम आदमी का मार्केट नहीं है। आम आदमी का मार्केट उसको बोलेंगे जिसमें मिड और स्मॉल कैप्स अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हो, और आप बेफिक्र होके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप 3-4 दिन आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस तरह के मार्केट में ट्रेड करने की आपको आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी पोजिशंस को बहुत ही कम कर दें और इक्के दुक्के स्टॉक में ही कभी ट्रेड करें। अब रह गई बात आज कल के इंटरडे पिक की, तो वो बड़ा भारी शेयर है, महंगा शेयर है, 14,225 का भाव है इसका, बजाज फिनसर्व। ऑब्वियसली आप कम क्वांटिटी में शेयर ले सकते हैं, तो भाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14,225 पे आप इसको ले सकते हैं, 14,000 का स्टॉप लॉस, और इसमें टारगेट रहेगा 14,590 का। तो ये ट्रेडिंग है और इसमें आप स्टॉप लॉस को चाहें तो कम कर सकते हैं, पर आप कभी भी स्टॉप लॉस जो आप रखेंगे उसको नीचे कभी मत करना। पोजिशनल ट्रेड वाइज ICICI बैंक जो आज बढ़ा है मामूली तौर पर, वो लगता है कि एक पोजिशनली इसमें पोजिशन देखी जा सकती है। तो 703 रुपये पे ये क्लोज हुआ है, आप यहाँ पे लें, 676 रुपये नीचे इसका स्टॉप लॉस रखें, और 748 रुपये का आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं 5 से 6 सेशंस के अंदर। ध्यान रखिए, आपका टारगेट एक बार जब आप जो प्राइस है वो टारगेट जो भाव है 706 का आपके तीन का, उसके ऊपर जब निकल जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा दीजिए, अपना प्राइसिंग के प्राइस के ऊपर कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिए, और अच्छी तरह से ट्रेडिंग कीजिए। आवश्यक नहीं कि रोजाना ट्रेड करें, कभी भी कर लेना भी ठीक है, और कभी कभी पेट को खाली रखना भी फायदेमंद रहता है। जी सर, तो कल के लिए इंट्राडे में बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह दे रहे बीके शर्मा जी, और हफ्ते भर का नजरिया ICICI बैंक में रखने की सलाह। आगे बढ़ते हैं, कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कोल इंडिया के नतीजे आने वाले हैं, वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। वरुण, जरा बताएं कोल इंडिया के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, कोल इंडिया के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो नतीजे काफी बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले पूरे एक साल में कमोडिटी की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है, उसका एक भरपूर फायदा जो इस कंपनी को होगा। इस कंपनी के डिस्पैचेस अगर आप देखेंगे साल दर साल, तो करीब 33% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका फायदा कंपनी को होगा। ई ऑप्शन के जो रियलाइजेशन है उसमें एक बेहतरीन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसका फायदा भी कंपनी को होगा। और पावर कंपनी से जो रिसीवेबल्स है उसके भी ऊपर आपको नजर रखनी है। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी के तरफ प्ले आउट होते हुए नजर आए हैं पूरे साल में, इसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों में साल दर साल में देखने मिलेगा। कुछ हद तक खर्चा कम भी कंपनी ने किया है, तो उसका भी फायदा होगा, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है ओवरऑल नतीजों में कमजोरी रहेगी। हमारा अनुमान है कि 25420 के आसपास इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो आ सकते हैं। कंपनी का एबिटा जो है करीब 5,950 करोड़ के आसपास आएगा। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो करीब 95% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन 16.5% से बढ़ के 23.4% पे आएंगे, और कंपनी का जो मुनाफा है वो 4,300 करोड़ के आसपास आ सकता है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में थोड़ी कमी आने वाली है, 24% से गिर के 23.4%, और मुनाफा जो है 4,587 करोड़ से घट कर करीब 4,300 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ी वीकनेस रहेगी, हालांकि कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं रहेगी इस कंपनी के नतीजों में क्वार्टर एंड क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर तगड़े रिजल्ट्स कंपनी के आ सकते हैं। तो नतीजे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहने वाले हैं। शर्मा जी, आपकी क्या राय है कोल इंडिया पर, क्या कोई स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, कोल इंडिया एक अच्छा स्टॉक है,
कमोडिटी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है और ये कमोडिटी के जो रैली की शुरुआत है अभी आप समझिए कि 7 या 8 में नहीं हुए हैं, तो ये लंबी चलेगी, इसमें निवेशित रहिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिलेगा और उसकी डिविडेंड की इस बार मिलने की संभावना भी अच्छी है, तो आप ग्रोथ स्टॉक नहीं है। कोल इंडिया में जो ग्रोथ आपको कम मिलेगा, डिविडेंड पक्का मिलेगा, और अगर आप थोड़े से वो भरपूर क्वांटिटी में आपके पास है तो आप इसके ऊपर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास उस चीज़ को समझते हैं तो। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ये भरपूर फायदा निचोड़ा जा सकता है कोर इंडिया का, बट ये ग्रोथ और पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाला स्टॉक नहीं है। तो आपके पास अगर है कोर इंडिया तो बने रहने की सलाह। पावर ग्रिड के नतीजे भी आने वाले हैं, देवांशी आशीर्वाद का रुख कर लेते हैं। देवांशी, पावर ग्रिड के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? पावर ग्रिड से इस तिमाही में मजबूत नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो लो बेस का जो फायदा है वो इस बार कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, साथ ही इस तिमाही में जो अन्य आय का फायदा है वो भी कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा और इसी के चलते वाईओवाई बेसिस पर जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग होंगे। लेकिन सीक्वेंशियली अगर आप देखते हैं यानी कि तिमाही आधार पर जो नंबर्स हैं एकदम सपाट रहने का अनुमान है। मुनाफे में 3 से 5% तक की गिरावट भी आपको आती हुई दिखेगी। सबसे पहले अगर हम वाईओवाई नंबर्स देखते हैं, इनकी जो कुल आय है 14% तक बढ़ती हुई दिखेगी, कामकाज मुनाफे में 13% तक की बढ़त आते हुए दिखेगी। लेकिन आप देखिए इनका जो मुनाफा है वो लगभग 68% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। दरअसल पिछले साल हमने देखा था कंपनी ने जो रिबेट दिया था डिस्कॉम्स तो करीब 1075 करोड़ का, इसके चलते इनका जो मुनाफे का बेस था वो काफी छोटा हो गया था। इसका फायदा इस साल कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, लो बेस के चलते मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही अगर आप देखें जो मार्जिन हैं वो इस बार थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे, 87.6% से कम होकर 87% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गाइडेंस होगी केपेक्स को लेके, कमिशनिंग को लेके, वो सबसे ज्यादा अहम होगी। इसके साथ ही जो ट्रांसमिशन लाइन है इनकी रायगढ़ की, वहां पे जो कमिशनिंग है उसके चलते पूंजीकरण में बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो कंपनी को सरचार्जेस और डिबेट्स जो डिविडेंड्स मिलते हुए दिखे थे इसके चलते भी कंपनी की आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इस तिमाही में केपेक्स खर्च कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से केपेक्स और कमिशनिंग रहती है इस पर बाजार फोकस करते हुए चलेगा। इन्वेस्ट का क्या प्रपोजल दिखा है इस पर भी बाजार नजर करेगा, लेकिन इन ऑल वाईओवाई बेसिस पर जो नंबर्स हैं वो अच्छे आएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सपाट नंबर्स आने का अनुमान इस बार पावर ग्रिड से है। शर्मा जी, पावर ग्रिड के नतीजों पर क्या राय आपकी रहेगी और क्या रणनीति रखी जाए? जी, पावर ग्रिड कोल इंडिया से थोड़ा बेहतर स्टॉक है इन द सेंस कि इसकी जो रिटर्न है वो गारंटीड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसके जो पैरामीटर्स हैं बहुत ही प्रोडक्टिव कंपनी है और जो नियत है उससे ज़्यादा ये अपना प्रॉफिट कमा लेता है, ये भी अच्छा डिविडेंड देती है। तो मेरा ये मानना है कि नतीजों के पहले आप कोई एक्सपेक्टेशन में न खरीदें, नतीजों के बाद खरीदें और नतीजे किसी कारणवश अगर किसी भी कारणवश कोई क्वार्टर में ऐसा हो नतीजे खराब भी आते हैं तो नीचे लेने में किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो स्टॉक है ये ओवरऑल रिटर्न आपको करीब 15% सालाना से ऊपर ही देगा। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं और टेलीकॉम सेक्टर का जरा रुख कर लेते हैं। राहत पैकेज मिलने की बात यहां पर कही जा रही है, तो और इस पैकेज से क्या वोडाफोन और आइडिया को राहत मिल सकती है, क्या ऐलान हो सकते हैं? हमारे सहयोगी कुशल का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुशल, क्या है खबर? जी, तो आज के दिन में टेलीकॉम सेक्टर में फोकस होने की वजह सबसे बड़ी ये बनती हुई दिखी कि जो पीएमओ है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहा कि आप जो है राहत पैकेज बनाने को जो है आप अपनी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो पैकेज आने से वोडाफोन आइडिया जो है उनको सबसे बड़ा राहत मिलती हुई नज़र आएगी। आप देखिए पिछले हफ्ते के जिस तरह के इवेंट्स बने थे इसमें उसके बाद कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी राहत का सबब बन सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो राहत पैकेज में क्या क्या चीज़ें आ सकती है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ, जिसमें लाइसेंस फीस जो है वो 2% कटती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही जो स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट के लिए मॉरेटोरियम है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। नवंबर 2019 में ये अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो उससे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं करीब 42,000 करोड़ रुपये की राहत इनको मिलती हुई नज़र आई थी, और अगर ये एक्सटेंशन फर्दर हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा
ज्यादा पॉजिटिव खबर हो सकती है। साथ ही एजीआर और स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए जो बैंक गारंटी दी जाती है, हो सकता है कि सरकार जो है अपनी राहत पैकेज में उसको भी माफ करती हुई नजर आए। इनफैक्ट ये एक तो बड़ा ट्रिगर पैकेज की तरफ से हो गया, पर वोडाफोन आइडिया इन स्पेसिफिक के लिए अगर जो है शुक्रवार के सत्र में जो डीओटी के ऑफिशियल्स हैं और जो बैंक सीनियर बैंकर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी, और वहां पर डीओटी ने कहा कि जो गाइडलाइंस के अंतर्गत रहकर अगर आप और रियायतें दे सकते हैं और एक्सटेंशन अगर कोई चीज पर दे सकते हैं तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया, जिसको पूंजी जुटाने में अभी तक भी कोई अपडेट नहीं मिलता हुआ दिखा है, उनको काफी बड़ी राहत की खबर हो सकती है। बट बहरहाल अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स करता है तो कहीं ना कहीं जितने भी बैंक है, खासकर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक की बात करें जिनका परसेंटेज ऑफ लोन बुक काफी हाई है, उनको सबसे बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है। बट डेफिनेटली जिस तरह से पीएमओ अब इस प्रतिक्रिया को आगे लेकर जा रहा है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वोडाफोन आइडिया के लिए अगर राहत पैकेज आता है तो काफी बेहतरीन खबर हो सकती है। बाकी कुशल, टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर ये सामने आ सकती है। डिटेल्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं शो में और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। शर्मा जी, अब बताइए कल ऑप्शन की स्ट्रेटजी कहां पर बताएंगे? जी स्वाति जी, अभी उन इस सेगमेंट के दर्शकों का भी वेलकम एक बार कर ले, माफ कीजिए ये फोन बज रहा है और घर में कोई है नहीं, तो मैं इंफोसिस में सलाह दूंगा ₹15 1680 की कॉल आप ₹15 पे लें, स्टॉप लॉस रखें ₹11 और टारगेट आपका रहेगा ₹23। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट, और यहाँ पे मैं 2200 की कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ₹55 पे लें। ये जो कॉल है ये बंद हुई है 6350 पे, आपको लेनी है 55 पे, टारगेट इसमें रहेगा ₹72। माफ कीजिए ये जो फोन बजा उसके लिए। अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 80-90 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, नैस्डेक फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर थे, यानी कि अमेरिका में मिला जुला हल्का सा कमजोरी भरा सेशन रह सकता है डाउ पर स्पेशली कल रिकॉर्ड हाई बनने के बाद, शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई बनने के बाद ये ट्रेंड था। हमारे बाजार भी आज मिला जुला कारोबार दिखाते हुए नजर आए। एक चीज साफ है, सपोर्ट रेंज बाजार के धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और कल के लिए भी 16,125-16,175 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 16,325-16,350 हल्की रुकावट है, इसके पार होने के बाद 16,400-16,500 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,500-35,700 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आते हुए दिख रही है, और बार बार पिछले 4-5 सेशन से इसी रेंज में बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 36,200 हल्की फुल्की रुकावट है, आज 36,000 के ऊपर हम बंद हो गए। अब कल 36,200 के ऊपर टिक जाए, बंद हो जाए, तो फिर बैंक निफ्टी भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर सकता है और यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जो 500-1,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर बन सकती है, बशर्ते कि 36,200 के पार निकलकर टिक जाए और बंद होने की कोशिश बैंक निफ्टी करे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा एक्शन कमजोरी का रहा, बड़े दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, और थोड़ी बात ठीक भी है, कैश मार्केट में थोड़ी एफआईएस की तरफ से, थोड़ी घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली हो रही है, उसका असर है। दूसरी बात है कि आईपीओ ढेर सारे आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का आईपीओ की तरफ जा रहा है। तीसरी बात है कि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के रिजल्ट्स अगर साल दर साल देखेंगे तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो उतने मजबूत नहीं आ रहे हैं, तो और भाव बढ़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ट्रेंड मजबूती का है, अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है, गिरावट में खरीदारी के मौके बिल्कुल हैं, बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन ऐसे में कहीं बाजार टॉप बना दे, यू टर्न ले लें, या फिर अब यहाँ से तेजी खत्म होगी, ऐसे कोई संकेत है नहीं। तो अब तक जब तक बाजार इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना ठीक रहेगा। आइए अब देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। kiranjadav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रेटजी कहां बनाएं? वेरी गुड इवनिंग। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने बैंकिंग में से सिटी यूनियन बैंक CUB चुना है। यहां पे ₹155 का कॉल खरीदारी करना है, जो कि आज करीबन ₹5.15 के आसपास क्लोज हुआ है, इसी दरमियान बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा ₹3.80 का, मेरा एक ही लक्ष्य है वो रहेगा ₹8 का।
जी बहुत शुक्रिया आशीष केलकर जी, कल के लिए आपने ऑप्शन स्ट्रेटजी बताई। शर्मा जी आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं और जानेंगे अब आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मेरी है फिलिप कार्बन ब्लैक में। ये जो कंपनी है ये वो रॉ मटेरियल बनाती है जो एसेंशली यूज होता है आपके टायर बनाने में। अब यहाँ पे घंटी बज रही है ऊपर, तो ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो एसेंशली ये पूरा जो कार्बन ब्लैक है हम इंपोर्ट करते हैं, और भारत जो है ये दुनिया का पांचवा बड़ा देश है इंपोर्टर में। तो और ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का, और ऑब्वियसली वर्ल्ड जो ट्रेंड है उसके अंदर पांचवा नंबर आता है। तो ये जो कंपनी है ये अगर हम 400 करोड़ की डेट देखें तो 0.2% इसकी डेट इक्विटी रेशियो है, तो कुछ भी नहीं है। और ये जो एसेंशियली इसका जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले 2 साल के अंदर करीब 28% से रेवेन्यू बढ़ेंगे, 26% से इसके नेट प्रॉफिट की बढ़ोतरी होगी। नेट प्रॉफिट की बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि अभी भाव जो है थोड़े से मार्जिन अंडर प्रेशर आएंगे, अभी बहुत ऊंचे मार्जिन हैं इनके, लेकिन फिर भी जो 26% का ग्रोथ है वो वाकई में देखने लायक है। तो और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ये लोग कर रहे हैं पाले जो बड़ूच के पास है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि करंट भाव पे ये स्टॉक 256 रुपये पे आप लें, अगर किसी कारणवश नीचे गिरता है 240 रुपये तक आप वहाँ पे भी इसको इकट्ठा करें, तो आपका अगर करंट भाव से एवरेज देखें तो 18% और एवरेज का अगर हम रिटर्न देखें तो आपका पड़ेगा 21%। तो आप आराम से इसमें निवेश कर सकते हैं, धीरे धीरे अभी लीजिए, थोड़ा नीचे गिरे तब लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिलिप्स कार्बन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखने की सलाह वीके शर्मा जी की, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शो में शामिल हुए। इसी के साथ आज इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।